सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। आज हम पंजाब में हैं और ये चक वैरो के गांव है, लक्ष्मी डेयरी फार्म पे हैं आप अभी फ़िलहाल। तो हम आपको ये कटड़ी दिखा रहे हैं। इसका क्या नाम रख रखा है भाई? इसका नाम जी छोटी लाडो रखे। अच्छा अच्छा। और ये नाम रखने के पीछे कारण क्या है, हमारी एक बहुत मशहूर कटड़ी हुई है जिसकी हम 7 महीने की पहले वीडियो दिखाई थी थनों की। हाँ हाँ हाँ। लाडो नाम। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा पसंद की थी। हाँ हाँ। और वो सिकंदर की कटड़ी थी। अच्छा। तो ये भी सिकंदर की कटड़ी है, लोगों में एक अपने सारे भाइयों में एक मतलब आइडेंटिफिकेशन चले जाए कि सिकंदर की कटड़ी कौन कौन सी है, इसलिए इसका नाम छोटी लाडो रखा है क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे हमने इसका रिजल्ट दिखाना है। हाँ 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 हाँ। तो ये सिकंदर की कटड़ी है? सिकंदर की कटड़ी है। अच्छा। सिकंदर मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिन भाइयों ने ध्यान नहीं है, सिकंदर रानी का बेटा है जिसने 26 किलो 357 ग्राम मुक्तसर में दूध चुवाई में जो पहले नंबर पर आई थी और उस टाइम का इंडिया का सबसे ज़्यादा दूध देने का रिकॉर्ड बनाया था। तो अभी इस कटड़ी का बाप है सिकंदर, इसकी माँ कितना दूध देती है भाई? माँ भी अच्छे दूध की है जी। अच्छा। मतलब 20 किलो की माँ है। अच्छा अच्छा। उसका नाम तो नहीं है कोई। हाँ हाँ। इस कटड़ी को डाइट में क्या दे रहे हैं आप? डाइट में जी जैसे यही पहले दूध पिलाया जी। हाँ हाँ। दूध पिलाया। हाँ हाँ। और अब जैसे शार्कोफ्रोल चल रहा है जी इसको। हाँ हाँ हाँ। और मतलब डाइट में जो अपनी भैंसों को दाना डालते हैं जी वही सेम प्रोसेस। अच्छा, वही दाना डाल रहा है। बहुत सारे भाइयों पूछते हैं कि कटड़ियों को हम क्या खिलाएं एक्स्ट्रा वो बढ़िया तैयार हो जाएं। तो लगभग जो डेयरी फार्मर हैं, जो पशुपालक हैं, वो जो दूध वाली भैंस को जो फीड देते हैं वही फीड देते हैं कटड़ियों को भी। मैं बताना चाहूँगा सभी भाइयों को। तो अभी इस कटड़ी के आपको दिखाएंगे, सिकंदर की बेटी है ये। इसके थनों वगैरह का जो क्वालिटी है, जो रिंकल वगैरह हैं चमड़ी के ऊपर, ये देखिए बहुत ही अच्छे। बोलो। जैसे एक गाभिन कट्टी ले रही हो। हाँ हाँ हाँ। और HF मान लो HF की बछड़ियों में भी ये चीज़ नहीं मिलती, और अभी 7.5 महीने की कटड़ी है। 7.5 महीने में ये चीज़ हमने तो कहीं अपनी किसी और कटड़ी में भी नहीं देखी जी। और अगर सिकंदर की ही बात करें। हाँ हाँ। तो सिकंदर की जितनी भी कटड़ियाँ आई हैं। अच्छा। सारे भाइयों ने नोट किया होगा, अपने फेसबुक पे भी जुड़े हैं। हाँ हाँ। कि हमने नीचा दिखाया। अच्छा। लाडो का नीचा दिखाया, 200 वाली कटड़ी का दिखाया, वो एक मानू के में उसका दिखाया। हाँ हाँ। मतलब सिकंदर की कटड़ियों का नीचे की स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत बढ़िया, जो रिंकल वगैरह हैं चमड़ी पे और जो थनों की क्वालिटी है, थनों का गैप है, वो बहुत बढ़िया आ रहा है सिकंदर की कटड़ियों का। ये कहने का तात्पर्य है भाई का, सिकंदर की कटड़ियों का हमारे जो फेसबुक वगैरह थ्रू भी देखे कि हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये हमारे पास लाडो रही जी, ये छोटी लाडो होगी, मानू के वाली कट्टी देखी, वीर सौ वाली बहुत मशहूर कट्टी है। हाँ हाँ। तो मतलब ये कटड़ियाँ हम दिखा रहे हैं, मतलब इनका नीचा तो सबका बहुत बढ़िया, हमने सबका दिखाया भी है लगभग। हाँ हाँ। और हमारा ये दिखाने का मंतव एक ही है। हाँ हाँ। के मतलब जो रिजल्ट है। हाँ हाँ। मतलब हमें एकदम ना शो करनी पड़ेगा ये आ गई जी सिकंदर की कटड़ी। हाँ हाँ। पहले से आज से दिखा रहे हैं, कल को आपको याद हो के छोटी लाडो है इसमें क्या दूध दिया। ठीक ठीक ठीक। क्लियर। पहले से आप इनको नॉलेज में ला रहे हो लोगों के कि ये कट्टी है वो कट्टी है, और इन फ्यूचर जब ये दूध पे आएंगी या प्रेग्नेंट होने के बाद अडर बनाएंगी डिलीवरी के टाइम पे, तो आप इनको दिखा सको, इनका दूध दिखा सको, ये मेन मकसद है। और हमारी एक हम आज इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज या एक मतलब दावा बोलो करना चाहते हैं, सिकंदर की 8-10 कट्टियाँ तो हमने दिखा रखी हैं। हाँ हाँ। ये कटड़ी आ गई, ये वो आ गई, और भी चलो हमारे पास भी आ जाएंगे। हाँ हाँ। जब सिकंदर की कटड़ी पहली कटड़ी भी आ गई, उसके साल डेढ़ के भीतर भीतर हाँ हाँ हम लगभग 40-50 कटड़ियों का दूध रिकॉर्ड करवा के DNA करवाएंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है ठीक है। तो बहुत ही तरीके से काम करेंगे, DNA वगैरह सारी चीज़ें। पहले भी DNA की जो शुरुआत है वो हमने करवाई है। हाँ हाँ। आज तक ये कंसेप्ट चला ही नहीं है। अच्छा। और आज से पहले अब चल रहे हैं माँ के दूध का कंसेप्ट चल रहा है जी। हाँ हाँ। आज से 3 साल बाद माँ के दूध का कंसेप्ट हमने ही खत्म करना है। अच्छा अच्छा। रिजल्ट ओरिएंटेड बात करेंगे, सिकंदर की कटड़ी कितना दूध देती है, दारा की कितनी देती है, कोहिनूर की कटड़ी क्या दूध देती है। अच्छा अच्छा। इस जिक्र पे आगे ब्रीडिंग चलेगी और लोग भी यही मांगेंगे। ठीक ठीक। लोगों से DNA बोलिया तो लोग आज DNA मांगते हैं। हाँ हाँ। लोगों से रिकॉर्डिंग की बात की तो रिकॉर्डिंग पूछते हैं कहाँ हुई है। रिजल्ट ओरिएंटेड कर देंगे, कोई बुल अपना पशुपालक को इतना जागरूक कर देंगे, कोई बुल को देखा करेगा ये नहीं पूछा करेगा इसकी माँ का दूध कितना। अच्छा अच्छा। पूछा करेगा जी इसकी कटड़ी कितना दूध देती है। ठीक है ठीक है। तो बहुत बढ़िया, एक यूनिक सोच है भाई की, बहुत ही बढ़िया सोच के साथ काम कर रहे हैं, और जो ये सोच है ये फार्मर को काफ़ी आगे तक
इन फ्यूचर बहुत बढ़िया फ़ायदा करने वाली बात कर रहे हैं भाई। तो बताना भाइयों आपको छोटी लाडो जो है ये लक्ष्मी डेयरी फार्म पे कैसी लगी और कैसे लगे भाई के विचार जो बताई हमें सारी बातें, तो वीडियो में कमेंट में बताना। आप सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।